रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी वो बहुत ज़बरदस्त यमी है, बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट है। आज मैं बना रही हूँ बीफ बर्गर, घर में तैयार करते हैं। आए बिस्मिल्लाह करते हैं। माँ आपने इस तरह से लेना है, थोड़ा फैट हो इसमें, ये देखें ये ठीक है। तो इसमें थोड़ी मैंने चर्बी भी डलवाई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह ताकि आपका जो जूसी बने, जो पैटी आपकी वो जूसी बने, ठीक है। ये मेरे पास लहसुन अदरक का एक चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें पेस्ट। हरी प्याज मेरे पास है, आप चाहें तो दूसरी प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास हरी प्याज थी तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चार चम्मच डालूँगी भरकर। ये चार चम्मच भर के डाले हैं, ठीक है। ये सब्ज़ मिर्ची है मेरे पास, जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिए हैं, कुटी हुई है मेरे पास। ये आधा चम्मच के करीब मैं डालूँगी। ये सब्ज़ मिर्ची कुटी हुई, ये चौथाई हिस्से के करीब मैं इसमें डाल दूँगी। और चौथाई हिस्से के करीब ही मैं ये कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ये डाल दूँगी। और चौथाई हिस्से के करीब काली मिर्च ये डाल दूँगी, इससे ये कि जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये चौथाई हिस्सा हल्दी का ये डाल दूँगी। ये नमक ये भी चौथाई हिस्से के करीब, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये अंडा मेरे पास एक अदद है, अब अगर आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। जी ये बारबेक्यू सॉस है मेरे पास, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी हाफ चम्मच के करीब। ये इससे ये कि बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू की तरह ही पैटी में फ्लेवर आ जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर इसी तरह ही बनाइएगा। तो यहाँ पे हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर मेरे तरीके से ही बनाइएगा। तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। जी ये देखिए मैंने कितने ज़बरदस्त अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। जब आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे तो आपकी पैटी कभी टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, ये देखें। और सेम इसी ही तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह आपकी जो फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी, आपके फ्रेंड आपके फ़ैन हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह से। ये देखें ज़बरदस्त, ये एक ही यकजान हो गया, देखें आप बहुत ज़बरदस्त मिक्स हो गया। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, ठीक है जी। जब तक हमारा कीमा रेस्ट पे है, 15 मिनट की रेस्ट उसको दी हुई है, फ्रिज में रखा हुआ है, तो तब तक हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं जो बर्गर से लगानी है हमने, बर्गर सॉस। तो सबसे पहले हम डालेंगे मायनीज, ये 2 चम्मच के करीब मैं डालूँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं मायनीज के, और ये 2 चम्मच हम, ठीक है, ये 2 चम्मच मैंने केचप की भी डाल दिए हैं। और ये बारबेक्यू सॉस ये भी 1 चम्मच ये भर के मैंने डाल लिया, ठीक है। ये लीमू ये भी मैं डाल दूँगी इसमें हाफ, ठीक है, चम्मच भी हाफ लीमू डाल रही हूँ। और ये काली मिर्च
हाफ चम्मच ये भी मैंने इसमें डाल दी है। सॉस तो बहुत तरीक़ों से तैयार की जाती है, लेकिन मैंने आपको सबसे आसान तरीके वाला बताया है जो हमारे घर में ये तो आम होती हैं सॉस और केचप मायोनीज, तो ये इसलिए मैंने आपको ये तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी ये देखें मैंने इसको कितने अच्छे से मिक्स किया है, ये देखें आप कैसे ज़बरदस्त हमारी सॉस बन गई है बर्गर वाली, सेम बाज़ार जैसी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप भी ज़रूर इसी तरह ही ट्राई कीजिएगा, ये देखिए। और अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि ये जो हमारे मायोनीज की या केचप की वो गुठली बन जाती है वो ना बने। बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इसको सही ज़ोर से ऐसे इसको मिक्स करना है आपने, ये देखें। ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत थी इसमें कसर वो भी हो गई है पूरी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सॉस तैयार हो गई है हमारी, बन गई है। मैंने सॉस भी तैयार कर ली है, ठीक है, बर्गर सॉस। और उसके बाद मैंने ये सैलड तैयार करके रख दी है, खीरा है, और ये खीरा मेरे पास है, प्याज है, सलाद के पत्ते हैं, और जो कि फ्रेश है मेरे पास। और कुछ लोग प्याज की जगह टमाटर इस्तेमाल करते हैं या खीरे की जगह टमाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैंने खीरा टमाटर खीरा प्याज और सलाद के पत्ते इस्तेमाल करी। और यहाँ पे खीमे को हमारे 15 मिनट हो गए और देखें कैसा ज़बरदस्त है, तो आएँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें बन गया एक हमारा, दूसरा भी इसी तरह ही मैं करूँगी। ये लिया इतना, ठीक है, उसको ऐसे यूँ, और ये देखें जल्दी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चार पैटी बर्गर मैंने तैयार कर ली हैं, देखें इनकी शेप चेक करें, और ये इतना, ये देखें आप इतने साइज़ में होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। ठीक है, इसी तरह ही बनाना है। तो आए अब हम इनको फ्राई करते हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट पहले इस साइड पे बनाऊँगी पकाऊँगी, फिर दूसरी तरफ से फ्राई करूँगी। ठीक है, जी अब हमने इसको देखें फ्राई पैन में रख दिया, देखिए अच्छे से हिल भी गया, तो हमने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी इस स्टेज पे आके, और हल्की आंच पे मीडियम आंच पे मैं बना रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका रही हूँ ताकि ये अंदर तक हमारे पक जाए। तेज आंच की तो फिर ये होगा कि हमारे ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे हमारे, ठीक है, क्योंकि कच्चा कीमा है हमारा भी, तो इसलिए हम इसको हल्की आँच पे मीडियम आँच पे ही इसको हम लोग बनाएंगे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब पक जाए तो फिर दूसरी तरफ भी हम साइड चेंज करके 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे ही पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए अंडा डालने से कैसे माशाल्लाह से फूल गए हैं, तो ये ज़्यादा बन गई थी तो मैंने चौथा भी डाल दिया इसमें, पैटी हमारा, तो ये देखिए साइड माशाल्लाह कलर आप चेक करें कैसे ज़बरदस्त है, आराम से साइड चेंज हो रही है, देखें तो आँच मैंने हल्की ही की हुई है, मीडियम बिल्कुल मीडियम आँच पे, तो आप देखें माशाल्लाह सुपर भी सब पक गए हैं और फूल भी गए हैं हमारे, तो इसी तरह ही 2 से 3 मिनट मैं दूसरी तरफ भी अब फ्राई करूँगी पकाऊँगी इसको। जी माशाल्लाह से देखें दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गया, और कलर आप चेक करें कैसा ज़बरदस्त है, तो अब मैं इसको निकालूँगी। जी हल्का सा आपने इसमें ऑयल डाल देना है, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, और अब मैं इसके अंदर ये रख दूँगी बंद, और ये दूसरा, जी एक एक मिनट आपने इसको हल्का हल्का सा बस करना है कि कलर आ जाए हल्का सा बस, ठीक है। जी देखें इसको बस हमने इतना सही कलर लाना है, कलर आ गया हमारा,
अब मैं इसको दूसरे कप रख लूँगी जी। माशाल्लाह से इधर देखिए ये पैटी भी तैयार हो गए हमारे चारों, और साथ ही ये मैंने फ्राई भी कर लिए थे बन, ठीक है। तो अब हम तैयार करते हैं ये सॉस। ये अच्छे से लग गई है, ठीक है। अब हम रखेंगे सलाद पत्ता, फिर उसके बाद ये जो हमारा पैटी है, फिर ये, और साथ में और फिर साथ में और ये केचप, ये इसके ऊपर लगाएंगे हम इस तरह से। ये ठीक है, और ये इसी तरह ही हम दूसरा तैयार कर लेंगे जी। और ये आप पैटी देखिए कैसी ज़बरदस्त जूसी, बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए, तो इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लेंगे सलाद पत्ता, ये पैटी, साथ में ये प्याज, ये खीरा और केचप, ये केचप, और ये। माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे बीफ बर्गर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। और आए मैं अब आपको दिखाती हूँ जी, आए अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर तक इसका जूसी फ्लेवर। ये देखिए आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए आप चेक करें इसका, बहुत यम्मी है, बहुत ज़बरदस्त है। और आप इसकी पैटी चेक करें, अंदर तक पक गई है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए फुल जूसी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में जी। माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है, और आप अपनी फैमिली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। और सेम इसी रेसिपी से ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। देखने के लिए शुक्रिया।